आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो आपके जिस राज्य के हैं उन्हें मामा कहते हैं, वहाँ के सभी बच्चे बच्चे हैं। लेकिन याद रखिए, मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि अभी आप लोगों ने जिस तरह से धरना दिया स्टूडेंटों ने, मतलब जो बेरोजगार हैं, AIMPPSC या पुलिस जो भर्ती नहीं निकाली जा रही थी, इसको विरोध में जो भोपाल में धरना दिया जा रहा था, उसमें जिस तरह से लाठी बरसी उन पर, लड़कियों पर भी लाठी बरसाई गई, उसे देखकर मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के मामा आप लोगों को चाहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप वहाँ बेहतर जानते होंगे उसके बारे में, लेकिन मैं उनके बारे में कम ही जानता हूँ, ठीक है। और नेताओं के बारे में, आज के नेताओं के बारे में बहुत हर कोई बहुत ही कम जानता है क्योंकि इनके कई रंग रूप हैं। एक रूप हो तो शायद हम लोग पहचान जाए, लेकिन इनके हजार रूप हैं। चुनाव के समय कुछ और रहेगा, चुनाव से पहले और कुछ रहेगा, चुनाव के बाद और कुछ रहेगा। तो इनके हर समय एक गिरगिट जैसा रंग रहता है ना, कि बदनाम तो उसे हम लोग किए हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो आजकल के हमारे नेता बदलते हैं। इसीलिए आपने देखा है, मैंने कि पूरे आपके पुराने नेताओं के बारे में, आजादी से पहले के नेताओं में आपने देखा है, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, फिर आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री, इनके बारे में बायोग्राफी कवर करने का मेरा मतलब इतना ही था कि आप लोग उस समय के नेताओं के बारे में, इस समय के नेताओं के बारे में जाने तो, और तुलना कर सकें कि आखिर आज के नेता कितने मतलबी हैं, ठीक है। तो आज शिवराज सिंह चौहान के बारे में जान लेते हैं हम लोग, जो आपके जगत मामा कहलाते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि कैसे मामा कहलाते हैं, कितने मामा कहलाते हैं। तो याद रखिए, MP के हैं, कहाँ के, मध्य प्रदेश। एक बार मैप्स में देख लीजिए आप लोग मध्य प्रदेश। फिर इनकी जीवन यात्रा के बारे में हम लोग बात करते हैं, जन्म से लेकर अभी तक, वर्तमान तक, आगे आने वाला भविष्य पता नहीं है, इसलिए आप लोग वो जानते हैं क्या होगा उनका, क्या करते रहेंगे, आप भी जानते रहेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें आप पड़ोसी देखें तो श्रीलंका हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, माफ करिए, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश, ये है बीच में मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश, ये इंदौर शहर है जहाँ आप लोग MPPSC की कोचिंग के लिए जाते हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश को आप लोग टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट, सोया प्रदेश, नदियों का मायका, क्योंकि आपने देखा है अभी जो जनगणना आई हुई है, नई अपडेट हुए हैं, इसमें टाइगर 526 मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक है। हृदय प्रदेश भी कहते हैं इसे। तो यह है कहानी। इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट बता दूं तो इसकी राजधानी भोपाल हो गई। क्षेत्रफल में ये दूसरे नंबर पर है, क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और यहाँ की अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 231, यानी कि 230 इसमें से चुने जाते हैं और जनता द्वारा एक मनोनीत होता है। और अगर राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11, और लोकसभा सीटों की बात करें तो 29, ठीक है। इसके उच्च न्यायालय की बात करें तो जबलपुर में है, और इसकी न्यायालय की खंडपीठ की बात करूं तो इंदौर और ग्वालियर में दिखेगा। और एक बात और, ये कई बार पूछ लेता है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ आप जानते हैं मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, सन 2000 में ये अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। चलिए, मामा की यात्रा के बारे में जानते हैं, बचपन से लेकर अभी तक, अभी बुढ़ापा नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इनका वास्तविक नाम है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, आप लोग इन्हें मामा कहते हैं, इन्हें प्यार से मध्य प्रदेश में ही बुलाया जाता है मामा के नाम से। आप लोगों को एक मर्यादा भाषा में, मर्यादित भाषा में, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की तरह एक भाषा में बताना है इनके बारे में कि आपकी सोच क्या है इनके प्रति, कि मतलब क्या है, हकीकत मामा है, करते भी कुछ है, या मतलब आपको क्या लगता है। भारतीय राजनेता है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, यानी कि कहने का मतलब BJP से जुड़े हुए हैं। इनके जन्म तिथि की बात करूं तो 5 मार्च 1959 को, 5 मार्च 1959 को इनका जन्मदिन हुआ था। और कहाँ हुआ था? बुधनी, मध्य प्रदेश, भारत में, यानी कि मध्य प्रदेश के बुधनी जिले में। एक बात और आपको बताना है, आपके मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उनके बारे में हम लोगों ने कुछ ही देर पहले बात की थी, उनकी बायोग्राफी, यानी कि उनकी जीवनी कवर की हुई है, ठीक है। इनके कॉलेज महाविद्यालय की बात करें तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, आप जानते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। MA यानी कि फिलोसफी से इन्होंने MA की है, काफी पढ़े लिखे हैं। परिवार की बात करें तो इनके पिता का नाम प्रेम सिंह चौहान था, माता का नाम सुंदरबाई चौहान था।
भाई की बात करें तो नरेंद्र सिंह चौहान था इनका, ठीक है, यानी कि छोटे हैं इनसे। और अगर जीवन संगनी की यानी कि बात करें कि साधना सिंह है इनकी पत्नी, साधना सिंह। बच्चे की बात बच्चों की बात करें तो इनके दो बेटे हैं, कार्तिकेय सिंह चौहान और कुणाल सिंह चौहान, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक यात्रा देखनी है, कहाँ से राजनीति में चालू हुए और कहाँ जा पहुंचे। तो ये देखेंगे आप लोग कि 1972 में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS में शामिल हुए। आप जानते हैं ना, एक संगठन है जो ABP देखते हैं आप लोग, ये सभी उसी के एक तरह से भाग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। ये 1972 में इसमें शामिल हुए। 1975 में वह मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने, कब, 1975 में। फिर देखेंगे 1978 में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABP के आयोजन आयोजन सचिव बन गए, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1978 में ही वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABP के संयुक्त सचिव बने, ठीक है। उसके आप देखेंगे उसके बाद 1980 में चलिए वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महासचिव बन जाते हैं, ABP है जो ना, इसके महासचिव बन जाते हैं 1980 में। फिर आप देखेंगे 1982 आता है, वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बन जाते हैं। फिर आते हैं 1984 में चलते हैं, 1984 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के संयुक्त सचिव बन जाते हैं। 1984 में वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के संयुक्त सचिव बन जाते हैं। 1985 में आप देखेंगे कि वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव बने, यानी कि काफी राजनीतिक सफलताएं मिलती रही हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं एक के बाद चढ़ते जा रहे हैं सीढ़ियां। फिर आएंगे 1988 की बात करूं तो वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन जाते हैं 1988 में। फिर आप आइए 1990 में, तो आप देखेंगे शिवराज सिंह पहली बार बुढ़नी बुधनी या बुढ़नी संसदीय क्षेत्र में राज्य विधानसभा के लिए चुने जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि 1990 में ये विधायक बन जाते हैं, समझ गए। 1991 में वह 10वीं लोकसभा चुनाव में विदिशा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद चुने जाते हैं। माफ करिए, विधानसभा नहीं, संसदीय क्षेत्र होता है, विधानसभा क्षेत्र होता है विधायकों के लिए और संसदीय क्षेत्र होता है सांसदों के लिए। तो ये 10वीं लोकसभा में पहली बार सांसद चुने जाते हैं, लोकसभा सदस्य बनते हैं, ठीक है। 1991 से 92 के दौरान चौहान साहब अखिल भारतीय क्षत्रिय वाहिनी में संयोजक के रूप में काम करते हैं। पर आप चलिए 1993 और 1996 में वह श्रम और कल्याण समिति के सदस्य बनते हैं, कब, 1993 में और 1996 में। 1996 में ही आप देखेंगे दोबारा वो बुधनी निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। तो दो बार हो गया इनका, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1998 के आम चुनाव में वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से फिर से सांसद बनते हैं। 1999 सन 2000 में चौहान साहब कृषि समिति के सदस्य थे और 1999 से 2001 में वह सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य के रूप में काम करते हैं। एक सफल राजनीतिक करियर कह सकते हैं आप लोग इनका, आप खुद देख रहे हैं कि मतलब एक के बाद चलते जाते हैं। सन 2000 से सन 2003 तक वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2003 से 2003 तक वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्या बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। सन 2000 में शिवराज सिंह चौहान संचार मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के समस्त सदस्य भी रहते हैं। फिर आप देखेंगे 2004 आता है तो लोकसभा चुनाव में वह 5वीं बार सांसद चुने जाते हैं। आप समझ रहे हैं, 25 साल, कहिए 5 बार सांसद कहने का मतलब है कि 25 साल लगभग सांसद चुने जाते हैं, समझ रहे हैं, 5वीं बार। नवंबर 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अगले साल बुधनी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा और जीत गए। एक बात आप लोग भी जानते हैं कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है तो आप 6 महीने तक बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए आप बन सकते हैं,
आपको भी उठा के कोई प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन याद रखिए, 6 महीने के अंदर आपको अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य होना चाहिए 6 महीने के अंदर। या अगर आप विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री बनते हैं या मंत्री बनते हैं राज्य में, राज्य की बात कर रहा हूँ, तो आपको विधानसभा या विधान परिषद की आपको सदस्यता ले लेनी चाहिए, सदस्य बन जाना चाहिए। तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में आपका क्या विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो इन्होंने उपचुनाव लड़ा, यानी कि एक सीट खाली करवा ली जाती है और वहां से वो चुनाव लड़ जाते हैं। आपने देखा होगा यूपी के सीएम को भी, आपने देखा होगा कई जगह आप देखते रहते हैं। तो ये उपचुनाव लड़ते हैं कहां से, बुधनी से, विधायक बन जाते हैं, यानी कि चुनाव जीत भी जाते हैं। 2008 में चौहान ने मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत का नेतृत्व करते हुए अपनी बुधनी सीट से को बरकरार रखा और उसी वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली इन्होंने। आप जानते हैं 2013 में भी फिर से बुधनी विधानसभा सीट पर जीत करते हुए उन्होंने लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो 2013 से 2018 तक रहते हैं, लेकिन 2018 की जो विधानसभा चुनाव होते हैं इसमें क्या करती है, जनता थोड़ा आईना दिखाने का काम करती है, क्योंकि आप जानते हैं ज्यादा दिन तक किसी के पास पावर रहे तो वो कम देखना मतलब कम सुनना पसंद कर देता है, वो एक तरह से काम करना बंद कर देता है। तो जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकारा नहीं, लेकिन इन्हें काफी हद तक आईना दिखा दिया। तो आप देखेंगे 16 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने में विफल रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ इनके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन ज्यादा दिन तक कमलनाथ भी नहीं चल पाते हैं, क्योंकि आप जानिए कि इतनी बार सफलता मिलने के बाद, इतना समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, इतनी राजनीति करने के बाद कोई भी होगा इनकी जगह, तो मुझे नहीं लगता है कि इन्हें गद्दी छोड़े रास आएगी। तो इन्होंने जैसे तैसे उठा पटक करके 24 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के विधायकों के समर्थन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, चौथी बार, फोर्थ टाइम, समझ रहे हैं। तो ये हाल है अभी भी आपके, यानी कि 2020 में हम बात कर रहे हैं, तो सितंबर में अभी इस क्लास को हम ले रहे हैं, तो आपके अभी तो यही है। आगे आने वाले समय में आप बदलते रहेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। उसके लिए उनका भविष्य लिखने के लिए आप लोग हैं ना, अगर आपने लिखा तो जीत जाएंगे, आपने नहीं लिखा उनका भविष्य तो खत्म है। तो ये है उनकी एक राजनीतिक यात्रा, ठीक है। देखिए किसी भी की बायोग्राफी पूरी तरह से कवर कर पाना मुश्किल है, किसी की भी जिंदगी, लेकिन क्या किया जाता है कि एक ऊपर ऊपर मतलब एक मोटा मोटा उनके बारे में बता दिया जाता है कि आप लोग उनके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रख सके। अब आपने देखा है कि कोई भी नेता हो कई बार विवादों में भी घिरा रहता है, तो इनके ऊपर भी कई विवाद हैं, आप लोग भी सुनते रहते होंगे। तो देख लेते हैं इन पर विवाद कौन कौन से। कांग्रेस नेता और वकील रमेश साहू की शिकायत पर भोपाल कोर्ट ने मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी साधना सिंह के खिलाफ 2007 में डंफर घोटाले में जांच का आदेश दिया था। उनका आरोप था कि साधना सिंह ने कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए में 4 डंपर्स खरीदे थे और बाद में उन्होंने एक सीमेंट फैक्ट्री के को किराए पर दे दिया था। उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने जांच के दौरान एक झूठा आवासीय पता प्रदान किया और एसआर सिंह के नाम में से अपने पति का झूठा नाम पर रखा। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 के तहत मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की थी। हालांकि 2011 में अपर्याप्त साक्ष्य के कारण दोनों को आरोप से मुक्त कर दिया। अधिकतर नेताओं के बारे में ऐसा होता है, देखिए, कि आरोप लगता है और सही है या गलत है इसका फैसला होने से ही पहले अगर उनकी सरकार है और वो मतलब हर तरह के हथकंडे अपनाकर निकल जाते हैं वहां से, ठीक है। ये नियम कानून याद रखे, हम जैसे आप जैसे मीडियम परिवारों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, इनके लिए कोई नियम कानून नहीं होते हैं, हकीकत यही है, सच्चाई यही है, समझ रहे हैं। अभी देखा होगा आपने लॉकडाउन लगा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के लिए मतलब आप सोचिए किसी भी कोर्ट ने
कोई और सुनवाई नहीं चली, लेकिन इन लोगों ने मतलब आप सोचिए कि इनके जो भी मुकदमे होते हैं उन पर जल्दी फैसला आ जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। वर्ष 2009 में बात करूं तो इंदौर की एक चिकित्सक और एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद राय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिन्होंने उन्होंने व्यापम भर्ती घोटाले पर प्रकाश डाला। आपने भी सुना होगा व्यापम घोटाला। इसमें कहा जाता है, पता है, इसमें कहा जाता है कि ये सच था, लेकिन इसे दबाने के लिए इन्होंने हर तरह से हथकंडे अपनाकर कई लोगों को एक तरह से अपने रास्ते से हटा भी दिया है, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और उस जनहित याचिका के संदर्भ में शिवराज सिंह चौहान ने एक जांच समिति की स्थापना की थी, जिसने वर्ष 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके उपरांत वर्ष 2013 में आनंद राय ने कहा कि इस घोटाले में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के चिकित्सक संस्थानों में फर्जी ढंग से प्रवेश प्राप्त किया, जिसके चलते उच्च न्यायालय की देखरेख में विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया गया। और 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष कार्यबल से केस को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई की जांच में शिवराज सिंह चौहान का नाम भी सामने आया, परंतु वर्ष 2017 में सीबीआई द्वारा उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। आप समझ रहे हैं कि पहले शिवराज सिंह चौहान का नाम आया, उसके बाद आप देख रहे हैं 2017 में एक क्लीन चिट दे दी गई। 2017 में क्यों दे दी गई है? क्योंकि आप जान रहे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार आ चुकी थी। अभी लालू यादव का देखिए आप लोग, हाँ, अगर आप सोचिए कि बीजेपी में मिल जाते लालू यादव तो वो जेल में नहीं काट रहे होते, ये हकीकत है। कई यूपी के नेताओं को देखिए, जब तक दूसरी पार्टी में रहे तब तक वो मतलब गंदे थे, वो भ्रष्टाचारी थे। जैसे ही एक तरह से इस तरह की राजनीति कांग्रेस भी करती रही है, बीजेपी भी करती है, हमारे यहाँ की एक मतलब एक सच्चाई हो चुकी है कि आप कितने भी आप कहिए, कितने भी घोटाले कर दीजिए, आप उस जिसकी केंद्र में सरकार है उसके साथ जुड़ जाइए, आप पर से भी हट जाएगा, आपको भी क्लीन चिट दे दी जाएगी, क्लीन चिट चिप, समझ रहे हैं। हालांकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई द्वारा शिवराज सिंह चौहान को बचाते हुए सभी सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। आप देखिए 2017 से पहले इनका नाम आता है, 2017 में इनका नाम क्लीन चिट दे दी जाती है, खुद सोचिए आप लोग। राज्य से बाहर के लोगों को मध्य प्रदेश में काम ना करने देने, विवादास्पद बयान से शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्रीयवाद की राजनीति का परिचय दिया, जिसके चलते उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सभी का स्वागत करता है। एक बात और आपको बता दूं, यहाँ अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि सभी सरकारी नौकरी हमारे यहाँ के बच्चों के लिए आरक्षित है। एक बात आप लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि ऐसा कई राज्यों ने ऐसे कदम उठाए हैं, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया गया। ठीक है, ये कोई चाइना या पाकिस्तान नहीं है कि वहां बोलते हैं कि वो हमारे देश में किसी बाहरी देश को नहीं, बाहरी देश के नागरिक को नहीं आने देंगे। ये भारत है और सभी राज्यों में आपको जाने के अधिकार है, आपके मौलिक अधिकारों में आप सुनते हैं ना, पढ़ते हैं ना कि आपको हर जगह जाने का, आपको समानता का अधिकार मिला हुआ है। तो इस तरह के क्या करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कदम उठाते रहते हैं, फैसले करते रहते हैं, बाद में पलटते रहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए। जून 2017 में मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा कृषि आधारित अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा था कि अचानक किसानों द्वारा इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके चलते पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 5 किसानों की मौत हो गई थी और हिंसा शांत होने की बजाय और भड़क उठी, जिससे नाराज किसानों का प्रदर्शन मंदसौर के अलावा प्रदेश के कई जिलों तक फैल गया। इस आंदोलन को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशहरा मैदान पर 24 घंटे का उपवास रखते हुए लोगों को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों के कल्याण का कार्य किया जा रहा है और सरकार हमेशा किसानों के साथ है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि उपवास की वजह पुलिस को नियंत्रित करें, किसानों पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लें और किसानों की मांगे मंजूर करें, अपनी नौटंकी करना बंद करें। किसने कहा था? दिग्विजय सिंह ने। याद रखिए, दिग्विजय सिंह भी जब मुख्यमंत्री रहे तब कोई स्थिति सही नहीं रही है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि दूध का धुला कोई भी नहीं है इनमें, आपको लगे दूध का धुला हुआ है कोई, समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में आप लोग देखिए, इसीलिए तो बोलता हूं कि आप सोचिए, एक समय हम लोग अमेरिका से खाद्यान्न बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते थे, अमेरिका में हमेशा एक तरह से दबा के रखता था, लेकिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री के समय देखिए, उन्हीं के समय हम लोग खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने,
हमारे किसानों की स्थिति सुधरी। और आज के टाइम में देखिए, कई जगह आप सुनते रहते हैं किसानों ने सुसाइड कर लिया, छात्रों ने सुसाइड कर लिया। तो आप सोचिए, युवाओं को क्या कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य है, आने वाली हमारी पीढ़ी है, भविष्य होगा लिखेंगे देश का। लेकिन आप सोचिए, वही अगर इस तरह से सुसाइड करेंगे, आत्महत्या करेंगे, किसान जो पूरी तरह से खाद्यान्न देता है, हम लोग घर में बैठ के खाते हैं, और आप सोच रहे हैं जीडीपी उल्टे मुंह गिर चुकी है, लेकिन कुछ हद तक अगर इज्जत बचाई है, सम्मान बचाया है, तो किसानों ने बचाया है। फिर भी अगर किसान सुसाइड करे, तो एक तरह से ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य कहिए आप लोग। समझ रहे हैं कि जिन्होंने हमारे देश को एक नई ऊंचाई दी है अपनी मेहनत से, अगर वो ही सुसाइड करने लगे, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बन सकती है। जनवरी 2018 में शिवराज सिंह चौहान तब विवादों में आए जब उन्होंने सरदार को रैली के दौरान सार्वजनिक रूप से अपने अंगरक्षक को थप्पड़ मारा था। देखिए, अब इतना होता रहता है क्योंकि अब राजनीति की, आप समझ रहे हैं, थोड़ा जोश चढ़ जाता है, घमंड आ जाता है। तो ये यात्रा रही है। अब मुझे तो पता नहीं, देखिए, अब मैं तो वही बताया जो मुझे जहां तक मालूम है, ठीक है, लेकिन जो भी है आपका, चलने दीजिए। ऊपर वाले से दुआ करिए कि आप लोगों के भविष्य की मतलब खातिर कोई ऐसा नेता भेजे जो सुने। आप लोगों को लगता होगा कि नेता अच्छे होते हैं, कई जैसे अभी देखेंगे आप लोग, शिवराज सिंह चौहान के जो पक्षकार होंगे, जो शिवराज सिंह चौहान को चाहेंगे, उन्हें कई इसमें भी क्लास में भी कई बुराइयां दिखी होंगी, मैंने गलत बताया उनके बारे में। और जो इनके विपक्ष वाले होंगे, उन्हें लगेगा कि गलत बता रहे, ये और बुरे हैं। तो याद रखिए, आज के नेताओं की तुलना अगर आपको उस समय के नेताओं की तुलना करिए, आजादी के समय की, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी आज के उस समय के नेताओं में कितना फर्क है। आज जमीन आसमान का फर्क देखेंगे आप लोग। उस समय आप देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में सुनते हैं, कहा जाता है कि उनके बच्चों ने, जब वो पीएम बने, प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री आप समझ रहे हैं, तो कहा जाता है उनके बच्चों ने कहा कि हमें गाड़ी से स्कूल छोड़ दिया करिएगा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले ये सरकारी संपत्ति है और तभी यूज करूंगा जब सरकार के काम से जा रहा हूं। उनकी पत्नी ने जब जिद की तो एक गाड़ी उन्होंने खरीदी, तो याद रखिए उस गाड़ी का वो अपने जीते जी पूरा भुगतान नहीं कर पाए। उनके मरने के बाद आप सोचिए कि उनका ऋण माफ किया गया। और आज के नेता को देखिए, ठीक है, प्रधानमंत्री और या मुख्यमंत्रियों को छोड़िए, विधायकों को छोड़िए, आज सरपंच को ले लीजिए आप लोग, गाड़ी की छोड़िए, अगर वो एक पंचवर्षीय रह जाता है तो वो इतना विकास करता है, इतना विकास करता है कि एक अपना पूरा घर भर लेता है, एक फॉर्चूनर भी ले लेता है, कई गाड़ियां खरीद लेता है। जनता का विकास छोड़िए, उसका नहीं मुझे पता जनता का कितना विकास कर रहा है, लेकिन अपना विकास पूरा कर लेता है वो। तो ये हकीकत बनी हुई है। अभी कुछ ही दिन पहले किसी इतिहासकार का नाम सुन रहे थे, उसके मतलब उसका वक्तव्य सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हमें इतने अच्छे नेता मिले हुए हैं। समझ रहे हैं, अभी अमेरिका पावरफुल बना हुआ है, शक्तिशाली है, तो इसलिए नहीं बना हुआ है कि वहां आप सोचें कि कोई दान में उसे कुछ मिल गया। मेहनत की गई है वहां के लोगों के द्वारा, और हमारे के वहां चुनाव होते हैं तो बड़े काम के नाम पर चुनाव होते हैं। वो वराक ओबामा को देखिए, अभी आप लोग, कहा जाता है कि उन्होंने जब से, यानी कि राष्ट्रपति का पद छोड़ा है, तब से अपनी नौकरी कर रहे हैं, एक अपना घर चलाने के लिए। उनके बेटियों को देखिए, दो बेटियां हैं उनकी, और बीवी को देखिए किस तरह से बोल रहे थे। और हमारे यहाँ एक बार विधायक बन जाए तो वो महल बना के खड़े कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश का पैसा कहाँ जा रहा है। अब ये तसला तो डालते नहीं विधायक सरपंच, आपका ही पैसा खाते हैं, तो ये हाल है। समझ रहे हैं, अभी आपका बिहार का चुनाव देख लीजिए, पूरा चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है, केवल एक दो ऐसे झूठे मुद्दों पर जिनका दूर दूर तक विकास से या किसी से कोई मतलब नहीं है। बिहार की स्थिति आप देख सकते हैं, पढ़े लिखे कम हैं, अनपढ़ हैं, साक्षरता गिरी हुई है, गरीबी देख लीजिए, बाढ़ की स्थिति देख लीजिए, स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए, जितनी खराब स्थिति हो सकती है गरीबों की उतनी खराब स्थिति है। लेकिन एक अभी मुद्दा नहीं बनते हैं चुनावी, क्योंकि ये मुद्दा बन गए और जनता पढ़ लिख गई, तो अगली बार ऐसे जो नेता काम नहीं करेगा उन्हें हटा देगी रास्ते से। दिल्ली की जनता को आप पढ़ा लिखा कह सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में, अभी तक की मैंने दुनिया में पहला ऐसा नेता देखा है
जो कह रहा था कि अगर मैंने मैंने अगर काम किया है तभी मुझे वोट देना, वरना मत वोट देना। और बाकी नेताओं को देखिए क्या कहते हैं कि इस बार ठीक है मैं ये करूंगा, दोबारा बोलने लगते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने इतनी सच्चाई बोली, उसने उस पर कई देशद्रोही के मतलब ऐसे मुकदमा भी लगाए गए। उस व्यक्ति ने खुल के कहा कि अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे वोट मत देना, लेकिन जनता ने फिर भी वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपने देखा है, शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए, तो इस तरह के मुद्दे होना चाहिए, तब हम जाकर शक्तिशाली देश बनेंगे। चाइना को छोड़िए, हम लोग अमेरिका को भी टक्कर देने लगेंगे। और जब लोग, आप समझिए कि हमारे अंदर आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब है कि आप शिक्षा स्वास्थ्य दीजिए, वो अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और देश को भी आगे ले जाएंगे। तो भुगतिए जब तक आप लोग भुगत रहे हैं। इसके लिए वो नेता जिम्मेदार कभी नहीं होते, क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं। इस समय में आप देखिए चुनाव होता है, तो आप देखते हैं कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने जो भी विधायक चुन रहा है या लोकसभा सदस्य मन के लिए लड़ रहा है चुनाव, अगर उसने दो चार मर्डर नहीं किए, उसका बैकग्राउंड गुंडागर्दी वाला नहीं है, एक माफिया वाला नहीं है, तो वो कभी चुनाव नहीं जीत सकता है, मुझे लगता है। आप लोग नाम मतलब उसके नाम पर वोट देते हैं, आपको मालूम है कि ये खराब है। आप देखिए आधे से अधिक आपके जो भी नेता हैं उनमें से दागी हैं, फिर भी आप उन्हें चुनते हैं। आप सुनिए कि आप लोग अगर डकैत को चुनेंगे तो आप विकास की उम्मीद मत करिएगा, दूर दूर तक भी मत करिएगा। खैर छोड़िए, चलिए। तो ये थी आपकी शिवराज सिंह चौहान की। देखिए मेरा पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कौन सा, मैं तो सीधा साधा व्यक्ति हूँ। तो इसलिए इन नेताओं की हकीकत है, इस समय की नेताओं की। और देश को अगर बर्बाद हो रहा है, देश इतना पीछे जा रहा है, आज वो नेपाल भी हमसे आके हैं जो हमारी गोदी में बैठा रहता था, जिसकी कोई औकात नहीं है, वो भी आग दिखा रहा है हमें। तो हमारे नेताओं की ये कमी रही है, ठीक है, नेताओं की ही कारण हम लोग भुगत रहे हैं ये हाल। चलिए आगे, किसी और, अगर आपको लगता है किसी और व्यक्ति के बारे में बात करनी है तो आप लोग कमेंट देकर बता सकते हैं किसी और के बारे में, ठीक है, वरना मैं अपने मन से कोई और भी चुन सकता हूँ। लेकिन हर संडे को आपका एक बायोग्राफी कवर करता रहता हूँ, ठीक है।